नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस बीमारी को समझने का कोशिश करेंगे, इसके क्या कारण होते हैं, क्या निवारण हो सकता है और क्या किस्म का ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाना चाहिए और किस तरह से हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टेनिस एल्बो को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि टेंडनोसिस या टेंडनाइटिस क्या होता है, क्योंकि टेनिस एल्बो बेसिकली एक किस्म का टेंडनाइटिस होती है। टेंडन मतलब जो मसल के एंड्स होते हैं जो कि बोन पे जुड़े होते हैं, उन्हें टेंडन बोला जाता है। तो टेनिस एल्बो में दो मुख्य मांसपेशियां होती हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और लॉन्गस। तो ये बेसिकली ये जो दो मांसपेशियां होती हैं, ये हमारे एल्बो का जो ये बाहरी हिस्सा होता है, कोहनी का ये जो बाहरी हिस्सा होता है, इसके ऊपर ये अटैच होती हैं। और इस अटैचमेंट पे ये टेंडन जो इस एल्बो के बाहरी हिस्से में अटैच होता है, यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिनको मेडिकल भाषा में बोला जाता है टेंडनाइटिस, या फिर आजकल इसे टेंडनोसिस के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस टेंडनोसिस में टेंडन के भीतर कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस होने लग जाते हैं, यहाँ तक सर्कुलेशन कम होने लग जाता है, टेंडन का ये हिस्सा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो टेंडनाइटिस एक कॉमन टर्म है और टेंडनाइटिस शरीर में जगह जगह पे हो सकता है, जैसे घुटने में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि टेंडनाइटिस या टेंडनोसिस क्या हो। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली टेनिस एल्बो के बारे में। तो टेनिस एल्बो के जो लक्षण होते हैं वो प्राइमरीली आप सभी लोग उनसे वाकिफ हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बताना उचित समझूंगा। टेनिस एल्बो के अंदर जो दर्द होता है वो मुख्यतः कोहनी के बाहर के एरिया में, ये जो आपको हड्डी का प्रोमिनेंस दिखता है, ये दर्द यहाँ पर शुरू होता है। टेनिस एल्बो की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो अर्ली स्टेज होती है, उसमें दर्द आपका सिर्फ इसी स्थान पर लिमिटेड रहेगा और एक्टिविटीज करने के बाद में होता है। टेनिस एल्बो की जो थोड़ी सी एडवांस स्टेज होती है, उसमें ये दर्द एल्बो के नीचे के हिस्से में भी रेडिएट करने लग जाता है, मतलब फोर आर्म के हाथ के इस हिस्से के अंदर भी दर्द होना इसमें प्रारंभ हो जाएगा। टेनिस एल्बो की जो एडवांस स्टेजेस जैसे जैसे होती जाती हैं, तो उसमें न सिर्फ एक्टिविटी के दौरान बल्कि रेस्ट के दौरान भी दर्द होना काफ़ी कॉमन होता है। टेनिस एल्बो की जो काफ़ी एडवांस स्टेजेस होती हैं, उसमें तीसरा जो लक्षण होता है, तीसरा जो सिम्टम होता है, वो होता है रिडक्शन ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ। मतलब आप हाथ से जो चीज़ पकड़ने का कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ग्रिप स्ट्रेंथ, जो पकड़ने की क्षमता है, वो काफ़ी कम हो गई है, पावर में काफ़ी कमी आ गई है। तो तीन मुख्य सिम्टम्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, दर्द जो कि एल्बो के सिर्फ बाहरी हिस्से में लिमिटेड रहे, दर्द जो नीचे रेडिएट हो, और तीसरा रिडक्शन इन ग्रिप स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं कि टेनिस एल्बो जनरली किस उम्र में, किस जेंडर में और किन लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है। जैसा कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं, टेनिस एल्बो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में हो, बल्कि कॉमन प्रैक्टिस की बात करें तो टेनिस एल्बो जो कॉमन जनरल पॉपुलेशन होती है उसमें ये बहुतायत में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनको इस तरह से बैकहैंड शॉट खेलना पड़ता है। तो बैकहैंड से क्या होगा कि जो मैंने आपको दो मांसपेशियों के बारे में बताया था, वो मांसपेशियां जो कि कोहनी के बाहरी हिस्से पर अटैच होती हैं, उन पे सीधा एक किस्म का लोड आता है, जर्क आता है, जिससे धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ा। साथ में ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें आपका रिस्ट एक्सटेंशन में रहता है, मतलब रिस्ट पीछे की तरफ रहता है, वो अवस्थाओं में, और आप यदि लंबे समय तक इस एक्सटेंडेड रिस्ट की पोजीशन में काम करते हैं, तो भी टेनिस एल्बो होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो आप अपने सामान्य ज्ञान से सोच सकते हैं कि ऐसे एक्सटेंडेड रिस्ट में काम करने वाले लोग कौन अधिक होते हैं। पहले जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं, माउस पे काम करते हैं, इस तरीके से पकड़ के काम करते हैं, या जो अपना कीबोर्ड होता है उसके ऊपर काम करते हैं, इवन जो पियानो चलाने वाले लोग होते हैं उनके अंदर भी, क्योंकि रिस्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोजीशन में और लंबे समय तक रहती है, तो उन लोगों के अंदर भी टेनिस एल्बो होने का संभावना अधिक होता है। इसके अलावा मैनुअल लेबरर्स, जैसे उनका काम है कि कंटिन्यूस हैमर करना, तो हैमर करने की स्थिति में भी ये जो रिस्ट है एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है और इसका लोड एल्बो के बाहरी हिस्से में आता है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्क्रू ड्राइविंग
स्क्रू का उपयोग करना पड़ता है। इवन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी हम लोगों को कई बार टेनिस एल्बो होने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोगों को बोन्स को फिक्स करने के लिए स्क्रू काफ़ी डाले जाते हैं। तो इस तरह से मैनुअल लेबरर्स में या स्किल्ड लेबरर्स में जहाँ पे भी रिस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में रहती है और ये प्रोनेशन सुपिनेशन वाला मोमेंट काफ़ी होता है, वो अवस्था में भी टेनिस एल्बो होना काफ़ी स्वाभाविक होता है। जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनमें एक जैसे कपड़े को स्क्वीज़ करना, तो देखा रिस्ट एक्सटेंशन में है और काफ़ी प्रोनेशन का मूवमेंट भी हो रहा है, तो वो मूवमेंट के अंदर भी जो पूरा मांसपेशी का जो लोड होता है वो एल्बो के बाहरी हिस्से में ये जो मांसपेशियों का अटैचमेंट होता है उसके ऊपर आता है, जिससे कि टेनिस एल्बो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सामान्यतः ये प्रॉब्लम लगभग 30 से 50 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें बहुतायत में पाई जाती है, और उनमें भी जो डोमिनेंट हैंड होता है वो हाथ जिससे कि आप प्रमुख रूप से काम करते हैं उसमें टेनिस एल्बो होने का गुंजाइश काफ़ी अधिक होता है। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने ये समझा कि टेनिस एल्बो के लक्षण क्या होते हैं, दर्द और रिडक्शन इन ग्रिप स्ट्रेंथ। फिर हम लोगों ने ये जाना कि इसका ग्रेडिंग क्या होता है, शुरुआती अवस्था में सिर्फ एल्बो के बाहरी हिस्से में दर्द होगा, एडवांस स्टेज के अंदर ये दर्द नीचे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे एडवांसमेंट पे जाते हैं रेस्ट पेन भी शुरू हो जाता है, और तीसरी चीज़ रिडक्शन इन ग्रिप स्ट्रेंथ, किसी चीज़ को पकड़ने में उठाने के अंदर भी लगातार दर्द, और इस ग्रिप स्ट्रेंथ में मतलब ये जो पकड़ने की हमारी ताकत है इसमें हमको कमी का एहसास हो सकता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेनिस एल्बो के लिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो किस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में टेनिस एल्बो के लिए उपलब्ध होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे एक्टिव। धन्यवाद।